ये वाली जगह जो है अपनी भाई इस चीज़ को फिट करने का है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक पोजीशन बनानी है जिधर हमारे को ड्रिल वगैरह करनी है। तो हमने पहले बेस से इसको एक सपोर्ट दे दिया, ठीक है, सपोर्ट दे दी है। अब इसके वो ब्लॉक पॉइंट्स चेक करने, एक ये हो गया और दूसरा वहाँ हो गया। इसके बाद हम अपनी जो है बॉल बिट निकाल रहे हैं। तो माता के डिस्टर्ब करने के बाद फिर से चालू करते हैं। ये अपनी जो हमने निकाल दी, चाय वगैरह पड़ी है, चाय वगैरह पी थी, बहुत मैसेज है, ऑफ कोर्स मैं साफ कर दूँगा उसके बाद, इस चीज़ को दोबारा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये गंदे में काम करना अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सफाई ही हो रही है क्योंकि गंदगी है तभी सफाई हो रही है। चलिए करते हैं, ये जो हो गया अपना ड्रिल की ज़रूरत थी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है तीन तरह की जो ड्रिल बिट्स आती है, ये आपकी जो होती है ये स्टोन के लिए है, ठीक है, जो दीवार वगैरह पे करना है, ये लकड़ी के लिए है और ये लोहे के लिए है। तो अभी हमें ये वाली चाहिए, इसमें साइज़ देखना पड़ेगा कि कौन सा है। तो एक तो ये वाला है ना, तो इसमें बन जाएगी क्या बात, नहीं इसमें बनेगी बात, फिर एक तो ये लग सकता है, और अगर दूसरा लगाना है दूसरा चेक करता हूँ मैं, दूसरा ये वाला साइज़ का दिखा मुझे, तो हम इसे यूज़ करेंगे अभी फिलहाल। इसमें ड्रिल बिट जो लगेगी दो में से ये वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ये वाली लगेगी इसको। ओके, देखिए ड्रिल को लगाने का क्या सबसे इजी तरीका मैं बता देता हूँ, ये उन सबके लिए जो न्यूली सीख रहे हैं कि ड्रिल को कैसे यूज़ करते हैं लोग घर के काम के लिए। ये अभी खोल दिया हम लोगों ने, इसको ड्रिल चक बोलते हैं, यूनिवर्सल चक है, इसमें लगा हुआ लेथ मशीन में भी ऐसे ही होता है कि एक ही से सारा खुल गया ना। इसमें हमने डाल दी अपनी बिट, ड्रिलिंग बिट, और मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, इसका साइज़ सेम आ रहा है ना, अप्रॉक्स सेम है, जैसे मुझे लगता है कि बड़े वाली से भी चल पड़ना था इसका काम, पर अभी हम इससे काम चला देखते हैं। तो ये हम इसको टाइट कर लेंगे, पहले एक बार देख लेना इसका, मैं एक्चुअली बात करते ध्यान नहीं, ये प्रॉपरली फिटेड है कि नहीं, टाइट करना अच्छे से। ये टाइट कर दिया, उसके बाद आप पहले मार्किंग करेंगे हम लोग प्लेस की, जहाँ पे ये हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, देखिए ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, वैसे इस तरफ अपने ब्लैक डॉट लगाना है। ब्लैक डॉट लगाने के बाद देखिए हमें इस बिट के हिसाब से इतना चाहिए, इतना अगर हम जो है छेद करेंगे दीवार में ऊपर मार्किंग के बाद, हम इस चीज़ को निकाल लेंगे पहले बाहर। देखिए मार्क के प्लेस पे हम लोग जितना है बिट के जितना एक के लिए हम चीज़ें यूज़ करेंगे, जितना दिखाता हूँ, ये जो होगा ये अटैचमेंट लगेगी किस तरीके से, छोटे वाला पार्ट इसमें जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें जाएगा, ये 8 mm का इसका हेड है। तो अभी मैंने ये हल्का सा जो है डायरेक्ट ही डाला है, इसमें बिट मैंने ऊपर डाल दी, देख सकते हो इसमें क्लियरेंस चाहिए था, ये नहीं निकलता, बहुत टाइट है ये, इसमें लोड भी पड़ गया, तो ये पूरा एडजस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे का मटेरियल है क्योंकि अपने सहारे हो चुका है बड़ा प्रॉपरली, इतना बेस का पौधा था सारा निकाल दिया गया, क्लियरेंस होने की हल्की, ताकि जो वायर है सारा लोड उसी पे ना आए ना। इस क्लियरेंस के बारे में कह रहा था, ये भी टच होना चाहिए यहाँ पे, और ये हो गगया अब इस तरीके से, ये परफेक्टली लगा जैसे मैं चाह रहा था। सो काम हो गया अपने यहाँ पे, चलिए अगले में मिलते हैं।